में पढ़ा था अभी, और मोलैरिटी में जो लास्ट टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसमें वाटर का तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, समझा कि नहीं। प्योर वाटर की मोलैरिटी 55.5, उसके अलावा एक और मैंने किया था। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एसएस में 11th का कंसेप्ट है, लेकिन 12th के एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम उन्होंने दिया है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि रिलेशन बिटवीन, सारे लोग लिखिए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें है, लेकिन आपको समझना है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच बस आपको आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सबको समझ में आएगा, ध्यान दें। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है गिव्स द, लिखिएगा नहीं पहले समझिए, गिव्स द आइडिया ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली, स्प्रिंगली का मतलब होता है पार्शियली, स्प्रिंगली सोलोबल सॉल्ट, ये आपके पास है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज को आइडिया देता है, सॉलिबिलिटी को, और सॉलिबिलिटी का मतलब ही हुआ कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन में आप देखिएगा मोलैरिटी आएगा, पहले यहां तक सारे लोग लिखिए। तो कोई भी पूछे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिव्स द आइडिया ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलबल सॉल्ट, स्प्रिंगली का मतलब जो पार्शियली हो। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिव्स द आइडिया ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलबल सॉल्ट, सारे लोगों ने लिख लिया, क्लियर है। तो आपके 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में एक न्यूमेरिकल है, ओके। अब आइए सारे लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट रिपीट लिखते हैं, देखिए दोबारा पूछिए दोबारा पूछिए, लेकिन चूंकि ऑनलाइन में मैं आपको देख नहीं सकता, तो जब टीचर पढ़ा रहा हो तो उसको ध्यान दीजिए, और खासकर अच्छे टॉपिक में एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, तो देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी सॉल्ट है पहला काम आप उसको आयंस में ब्रेक कीजिए, ए प्लस बी माइनस। चूंकि ये पार्शियली डिजॉल्व है इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन आया, पूरी तरह डिजॉल्व होता पूरा आगे जाता, पूरी तरह डिजॉल्व नहीं है, देयर इज अ इक्विलिब्रियम। तो देखो केएसपी कैसे निकालेंगे, केएसपी का मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, कैसे निकालेंगे, जो आयंस में ब्रेक हुआ है उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लें, ए प्लस बी माइनस। और आप 11th में पढ़ चुके हैं इस ब्रैकेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी। देयरफॉर उसने केएसपी देकर मोलैरिटी पूछेगा, ये 12th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मोलैरिटी का अपना क्वेश्चन है, इतना ग्राम डिजॉल्व फाइंड द मोलैरिटी, जिसमें फॉर्मूला का यूज होता है, यहाँ फॉर्मूला का यूज नहीं है, यहाँ केएसपी की मदद से मोलैरिटी। तो इस ब्रैकेट की यूनिट मोल पर लीटर होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला काम
कंपाउंड को आयंस में ब्रेक कीजिए, उसके आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लीजिए। अब देखिए क्या करना, देखिए इसकी कोफिशिएंट कितना है वन, तो इसकी सॉलिबिलिटी को एस कहिए, इसका भी वन एस, तो देखिए केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट केएसपी। अब बताइए एस क्या है यहां पर, सॉलिबिलिटी, और सॉलिबिलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, सॉलिबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर, अब मोल पर लीटर क्या हो गया मोलारिटी, तो यही हम वैल्यू यहां पुट करेंगे और निकाल लेंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हर कंपाउंड में अलग अलग होगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको। पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया, सॉलिबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का मतलब मोलारिटी, यहां तक सबको समझ में आया। जिसको नहीं आया, जो लेट से ज्वाइन किए हैं, जल्दी बताइए कि मैं रिपीट भी कर सकूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूमेरिकल, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से मोलारिटी कैसे निकालेंगे, ये 12th के सिलेबस में भी क्वेश्चंस है, कंपटीशन में तो है ही है, 12th के एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। सानिया रहमान प्लीज रिपीट, ओके ओके सानिया रहमान, ओके ओके आई रिपीट, पहले सारे लोग लिख लीजिए, जो लोग देख रहे हैं पहले लिख लीजिए, कोई बात नहीं है मोहित सैनी, तुम अपना देख बिहारी, चलिए पहले लिख लें सारे लोग, कोई बात नहीं मोहित सैनी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं रिपीट कर देता हूं, पहले लिख लें सारे लोग, मोनिस पहले बताइए, सारे लोग लिख लिया तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि आपका ध्यान रहे। सब लोगों ने लिख लिया, जो लेट से भी आए लिख लिया सारे लोगों ने, कुछ तो लिखिए। कंसन क्या बोल रहा है ये, चलिए खैर सारे लोग सुनिए अच्छे से, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सारे लोग सुने अच्छे से और ध्यान दें कि अगर न्यूमेरिकल में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हम मोलारिटी कैसे निकालेंगे। तो ए बी है, उसको आयंस में ब्रेक कर लेंगे, पहले समझ लीजिए व्हाट इज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, मैं लिखा चुका हूं अभी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी को बताता है, किसी भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी को बताता है। तो कंपाउंड को पहला काम आयंस में ब्रेक कीजिए, और केएसपी लिखने का तरीका उसके आयंस की कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब केमिस्ट्री में मोल पर लीटर होता है। हमने यहां ए प्लस को एस कहा, बी माइनस को भी एस कहा, तो KSP is equal to S into S, S square, तो S is equal to under root KSP, तो हम जो वैल्यू दी रहेगी निकालेंगे, अभी प्रैक्टिस कराएंगे, पहले आपको लिखने आना चाहिए। बताओ आगे बढ़े, सबको समझ में आया, आगे बढ़े, मोहित सैनी सबको आया समझ में, बोले ओके ओके थैंक यू। आप सुनिए सारे लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पर। मान लीजिए इसको देखिएगा, लिखिएगा नहीं, पहले समझिए। मान लीजिए कोई A टू B सॉल्ट है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको आयंस में ब्रेक कर लेंगे, 2A प्लस B पर 2 माइनस, पहला काम आयंस में ब्रेक करना। अब हम KSP कैसे लिखेंगे, ध्यान दें, A प्लस जो भी कोफिशियंट होगा पावर रेज होगा, प्लीज सारे लोग ध्यान दें, कोई भी कोफिशियंट होगा पावर रेज, B2 माइनस है कोफिशियंट 1 1,
बताइए यहां से यहां तक आया सबको समझ में? जल्दी से बोलिए तो, जल्दी से बोलिए तो, यहां तक आया सबको? यस, सबको आया, सबको आया। ओके ओके, अब देखिए केएसपी इज इक्वल टू, यहां देखिए टू है तो टू एस लेंगे, टू एस, यहां वन है तो एस लेंगे, तो टू एस का होल स्क्वायर इन टू एस। हाँ तो वही है, टू है, यहां देखें पहले समझे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। हमने कहा कोफिशियंट तो पावर रेज, कोफिशियंट टू है तो टू, टू है तो टू एस, थ्री ए है तो थ्री एस लिखेंगे, फोर है तो फोर एस लिखेंगे, जो कोफिशियंट होगा वही लिखेंगे, यहाँ टू है तो टू एस और एस। अब देखो केएसपी इक्वल टू फोर एस क्यूब, फोर एस क्यूब होगा। तो अब यहां से एस निकाल लेंगे। तो मैंने कहने का मतलब हर कंपाउंड का केएसपी लिखने का तरीका अलग अलग होगा। बताइए यहां तक आया सबको समझ में? क्लियर है यहां तक? बोलें जल्दी से। ए टू बी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से मोलारिटी कैसे निकालेंगे? ध्यान दें दोबारा, पहला काम कंपाउंड, जो लोग लेट से आते हैं, लेट से ज्वाइन करते हैं, अल्लाह अकबर, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट देखकर मोलारिटी कैसे निकालेंगे? पहला काम कंपाउंड को आयंस में ब्रेक कर लेंगे, तो टू ए प्लस और बी टू माइनस, और जो भी आयंस होगा उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेंगे। इस ब्रैकेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसलिए मोलारिटी केएसपी की मदद से निकालेंगे यहां। अब यहां देखिए टू ए प्लस है तो ए प्लस का होल स्क्वायर, यहां कुछ भी नहीं है वन, तो वन पावर, तो पहला काम इस तरह लिख लेंगे। अब आइए सॉलिबिलिटी कैसे लिखेंगे, टू एस, टू इंटू एस, टू एस, वन एस, अब ये टू एस की वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया। अब मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं उससे और समझ में आएगा, ये लिखने का तरीका हुआ। अब आइए सारे लोग क्वेश्चन लिखिए, द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देंगे। ए ऑप्शन आपके पास है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एम कैपिटल एम है, मोलारिटी है एम, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, डी है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, कैपिटल एम। जल्दी निकालें सारे लोग। फायका मैं भी शारा आपको, खदीजा, फायक, इल्हाम,
ये मरियम बानो दोनों में क्लास करती हैं, मरियम बानो, और आगे आगे बोलती हैं राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ, अल्लाह रहम करे। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूं, आप क्लास करें, दोनों में आए, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं मरियम बानो, आप क्लास करें, आपको जितनी क्लास करना है करना है, लेकिन जो टॉपिक रहे उसी से रिलेटेड बोलिए, आगे आगे नहीं बोलना है। हाँ कोई बात, थैंक यू थैंक यू। चलिए अब मैं चेक कर लेता हूं किसका आंसर सही है। अमानुल हसन फीस दे दो, आजम सर से पूछ के फीस दे दो, फ्री फ्री में पढ़ोगे तो सही से समझ में नहीं आएगा। फीस जल्दी दे दो। चलो कोई बात नहीं, यहां देखो कॉपर सल्फाइड पहला काम आयंस में ब्रेक करेंगे, सारे लोग देखो पहले, तो कॉपर पर प्लस टू चार्ज एस टू माइनस, आयशा खानम देखिए अच्छे से, केएसपी लिखने का तरीका सी यू प्लस टू की कंसंट्रेशन एस टू माइनस की कंसंट्रेशन, इसकी सॉलिबिलिटी एस, इसकी सॉलिबिलिटी एस, तो केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, एस इज इक्वल टू अंडर रूट केएसपी, तो सॉलिबिलिटी की यूनिट है मोल पर लीटर इज इक्वल टू, ध्यान दें केएसपी आपके पास था 9, कितना था 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो 9 का रूट 3 10 टू द पावर माइनस 3, कौन सा ऑप्शन था ये, इसलिए मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। बताइए सबको समझ में आया, सबको आया कि नहीं आया बोलिए। ओके ओके, सबको आया, इल्हाम, मोहित सैनी, ठीक है, हाँ गुड गुड, अली इशाक, अली इशाक कौन है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सानिया आपको आ रहा, सानिया, इल्हाम, यस यस यस, गुड गुड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, देखिए द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4, दिस इज कॉल्ड सिल्वर क्रोमेट इज, Thank you.
डी रॉन्ग है मोहित सैनी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कोई बात नहीं है, सारे लोग ध्यान दीजिए। पहला काम आयंस में ब्रेक करना, Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट, कितने सिल्वर हैं? दो। क्रोमेट कितने हैं? एक। सिल्वर पर प्लस वन, दो प्लस तो माइनस टू, 2s और s। Ksp इज इक्वल टू Ag प्लस का होल स्क्वायर एंड क्रोमेट टू माइनस, तो Ksp इज इक्वल टू 2s का होल स्क्वायर इनटू s, 4s³, तो 256 10 टू द पावर माइनस 12, 4s³, 4 से कैंसिल, s इज इक्वल टू क्यूब रूट 4, 10 टू द पावर माइनस 4। ये आपका आंसर आया, इसलिए मोलारिटी इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। बताइए सारे लोगों को समझ में आया? सच सच बताइए, जो लोग क्लास कर रहे हैं सबको समझ में आया? दिस इज मिसलेनियस। ओके, गुड, कोई बात नहीं मोहित सैनी, पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां, ट्राई करना चाहिए चाहे गलत या सही, कोई बात नहीं है। लिख लिया सारे लोग, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला, मोलारिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यही है, उसके बाद हम लोग या इसको अभी पहले डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़ लीजिए फिर करेंगे। डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला, देखिए लिखना शुरू कीजिए। When solution is diluted, diluted का मतलब आप जानते हैं, addition of solvent, addition of solvent, then जब solution को dilute करेंगे तो volume increase होगा, मोलैरिटी डिक्रीज होगा, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। कुछ सोचिए, एक गिलास शरबत बनाइएगा, उसमें वाटर मिला दीजिएगा तो मीठा से फीका हो जाएगा, लेकिन शुगर का अमाउंट सेम रहेगा, वही है। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, वॉल्यूम चेंज करेगा, मोलारिटी चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। मतलब अगर ये कंटेनर है, आपकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो मोलारिटी चेंज कर जाएगी, M2 हो जाएगी, वॉल्यूम V2 हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन।
आफ्टर डाइल्यूशन। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, एम वन बी वन, क्यों, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो एम वन बी वन इज इक्वल टू एम टू बी टू, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला, ये आप जानते हैं, एम वन बी वन इज इक्वल टू एम टू बी टू। अब इस पर मैं दो न्यूमेरिकल करके आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, जल्दी जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड अनस खान, तुम क्यों ज्वाइन किए हो अनस खान, घर पर सेल्फ स्टडी करो, सब पैसा सधाने आए हो क्या। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया मानुरा सर, मिटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट द मोलारिटी इफ, कैलकुलेट द मोलारिटी इफ 50 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन is diluted to 500 ml. A option 5 m, B option 0.05 m, C option 0.05 m, C option 0.5 m. Okay, Anas Khan. आयशा खानम अगर आप आई हैं तो बताइए आई हैं, और अगर समझ में आ रहा है वो भी बताइए प्लीज। उज्मा सर ये क्लास सी टू, उज्मा आपने क्या लिखा फिर से वो आप आजम सर से कांटेक्ट कीजिए, उज्मा उज्मा आजम सर से बात पूछिएगा। आयशा खानम आई है, आपको समझ में आ रहा है प्लीज बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज, आ रहा है कि नहीं। बी ऑप्शन ओके, चलिए डाइल्यूटेड लिखा हुआ है तो एम वन बी वन इज इक्वल टू एम टू बी टू लिखेंगे, ठीक। अब आपके पास 50 ml है, 0.5 है,
यहाँ 500 ml है, M2 निकालना है। ml ml दोनों तरफ है, लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 50 × 0.5/500 तो 50 × 5/500 डेसिमल एक हटा दिया आपने, कैंसिल कैंसिल, 5 से 100 तो 0.05 m। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.05। सबको समझ में आ गया? ओके, यस। सब लोग जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लें जल्दी से। सब लोगों ने लिख लिया? यस। क्वेश्चन नंबर टू, what volume of water is added to 500 ml of 0.02 m solution of H2SO4 so that final molarity becomes 0.002 m? ए ऑप्शन 1000 ml, बी ऑप्शन 800 ml, सी ऑप्शन 900 ml, डी ऑप्शन 700 ml। अच्छा, एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 1 दे दीजिएगा, 1, सॉरी एक डाटा चेंज कर लीजिए, 100 ml लिखिए, 100 लिख लीजिएगा, चेंज कर लीजिए, आप बनाइए बन जाएगा, जल्दी बनाइए। सानिया रहमान ए, और किसी का आंसर? सारे लोग, मरियम बानो, गुड, वेरी गुड,
इफ्रा, इफ्रा अगर आई है तो आंसर दें इफ्रा, इफ्रा आई है, खुशी, खुशी अगर आई है तो आंसर दें। ओके चलिए, पहली बात ये बात क्वेश्चन से समझ में आ गया कि भाई कैफ, मोहित सैनी, सानिया, ओके और कोई आंसर ही नहीं देते, अल्लाह मालूम उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। इफ्रा का आंसर आया, इफ्रा जल्दी बताइए। खुशी, खुशी का आंसर नहीं आया अब तक। ओके ओके, खदीजा, खदीजा, इल्हाम, खदीजा, इल्हाम, सानिया था। ओके चलिए देखते हैं, सारे लोग ध्यान दें। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए प्लीज। M1V1 = M2V2, 100 × 0.02, M2 0.02 × V2, तो V2 = 100 × 0.02 एंड 0.02। अच्छी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ये तो मल्टीप्लाई के 2 हो जाएगा, 2 × 10⁻³ कैंसिल, V2 ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 ml। लेकिन 1000 ml सही आंसर नहीं है। सारे लोग सुने, पहला वर्ड्स देखिए सारे लोग क्वेश्चन में, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एड। हम लोग M1V1 देखो, ये चलो मैं डायग्राम से बताता हूं, सारे लोग सुनो इधर डायग्राम से। ये तुम्हारे मोहित सैनी, सारे लोग ध्यान दें, ये आपके पास है, मान लीजिए मोलारिटी 2m है और वॉल्यूम 500 ml है। आपने वाटर ऐड किया, वाटर इज एडेड, तो 700 ml हो गया। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। खुद सोचो 500 से 700 हुआ, कितना वाटर ऐड किया गया होगा? 200। तो वही पूछ रहा है यहां, V2 फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू V2 - V1, 1000 - 100, 900 ml। आपको कंफ्यूज कर देगा ऑप्शन देकर, अगर तो इसलिए सतर्क रहना है। पहले की लैंग्वेज को देखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी 0.50 ml ऑफ 0.5 H2SO4 इज डाइल्यूटेड 2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम 500 आया। जब भी न्यूमेरिकल में कहे व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, तो आप V2 निकालिए, वाटर का वॉल्यूम कहा है, और हम लोग जल्दी से V2 निकाल देते हैं। पहला ऑप्शन 1000 है, टिक मार देते हैं, तो गलत तो वॉल्यूम ऑफ वाटर V2 - V1। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, बताइए सारे लोग, सारे लोग बताइए आया कि नहीं आया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड नूरैन फातिमा, वेरी गुड, वेरी गुड खदीजा को भी आ गया, अ लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मोलारिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक डालिए मोलारिटी, सारे लोग लिखिए। इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम का मतलब 1 kg, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम मत लिखिए, पर केजी लिखिए, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सतर्क रहना, यहाँ सॉल्वेंट का वर्ड है, बाकी कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन का वर्ड। मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हम एनबी कहते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट वो केजी में लेंगे। बताइए सारे लोग, डिफिनेशन तो सबको आता ही है, सारे लोग मिलके बताइए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। सानिया लिख रही है करेगा, नहीं करेगा भाई, वॉल्यूम नहीं है, हाँ वॉल्यूम नहीं है, मास है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मैंने लिखाया है ना आपको। हाँ वेरी गुड अली, अली भाई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। आगे बढ़ें, यस अब इसके नीचे नोट लिखें, देखिए सिंस मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज बेस्ट मेथड बेस्ट मेथड या कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए मोलारिटी वगैरह को हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि मोलारिटी वगैरह क्या एक जगह निकाल लीजिएगा, टेम्परेचर चेंज होते हुए चेंज हो जाएगा, मोलैरिटी जो है हर जगह सेम रहेगा, जहां एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए सेम रहेगा। भाई लिखाइए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज बेस्ट मेथड या कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और एक कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए आप देखते हैं मेडिसिन सब में लिखा रहता है इसको लो टेम्परेचर पर रखना है, इसको फ्रीज में नहीं रखना है, दवा वगैरह जो लिक्विड रहता है उसमें ये सब लिखा रहता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं, ये सबको समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक थ्योरी और मैं पढ़ा देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ 1 capital M, 1 capital M का मतलब 1 molar एंड 1 small m, 1 molar,
फॉर डायलूट सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, आपको हो सकता है पूछे। वन मोलर और वन मोलल, देखो और से सुनो, लिखना मत, सारे लोग सुनो अच्छे से, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम लोग कहोगे रिपीट। यहां देखो, मान लो ये कोई कंटेनर है, डायलूट सॉल्यूशन है, डायलूट का मतलब वाटर सॉल्वेंट है, इसका कंसंट्रेशन है वन कैपिटल एम और इसका कंसंट्रेशन है वन स्मॉल एम। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा विच इज मोर कंसंट्रेटेड, मैग्नीट्यूड सेम, क्वेश्चन ये है, ध्यान दें, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, ए ऑप्शन वन कैपिटल एम ग्रेटर देन वन स्मॉल एम, वन कैपिटल एम लेस देन वन स्मॉल एम, वन कैपिटल एम बराबर वन स्मॉल एम, डी कांट बी प्रिडिक्टेड, कांट बी प्रिडिक्टेड। तो ये पूछा जाएगा, तो ए ऑप्शन इज सही। याद रखने का तरीका, कैपिटल माने बड़ा, वन मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड, मैग्नीट्यूड तो सेम है, पूछ रहा है कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, मतलब ये वन मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन वन मोलल। आगे का लाइन फॉर डायलूट, डायलूट के लिए क्यों वो हम बताएंगे, दिस रिजल्ट इज सही ओनली फॉर डायलूट, ओनली फॉर डायलूट। हम आपको समझाएंगे, पहले बताओ ये कंसेप्ट सबको समझ में आया, अब क्यों ऐसा है वो हम आपको समझाएंगे कि वन मोलर वन मोलल दोनों में मुकाबला होगा, मैग्नीट्यूड सेम, आपसे पूछेगा मोर कंसंट्रेटेड, डायलूट लिखा रहना चाहिए, डायलूट अगर होगा तो कुछ भी हो सकता है, मोलर भी ज्यादा हो सकता है मोलल भी, डायलूट के लिए वन कैपिटल है, याद रखना कैपिटल माने बड़ा, जैसे एम्बेसासर इज बड़ा, वन कैपिटल एम स्मॉल ग्रेटर देन वन स्मॉल एम। चलिए सारे लोग लिखिए, तो जल्दी लिखिए, एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके थैंक यू अली, थैंक यू, बहुत अच्छे अली हैं भाई, अली भाई बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ हर दिन सेल्फ स्टडी कीजिए खूब अच्छे से, थैंक यू थैंक यू। अब देखिए इसका आंसर, देखिए प्लीज देखिए, मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर का मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो पहले तुम लोग ये लाइन लिखो और बताओ, ये तो समझ में आया होगा ना सबको, ठीक है। मरियम बानू आप 11th में ऑर्किड के किस बैच में थी, मरियम बानू अब आइए मोलारिटी, अच्छा लद्दाख बैच की है, अच्छा
स्मॉल एम जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी का मतलब हुआ एनबी इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक मिनट रुक जाइएगा। अब इस एनबी इज इक्वल टू 1000 ग्राम को 1000 एमएल ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर एमएल, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 एमएल ऑफ सॉल्वेंट। वाटर की डेंसिटी 1, जितना वाटर का मास होगा, खुद सोचिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। 5 है तो 5 है तो 5 कैंसिल हो गया 1, डेंसिटी 1, 5 ग्राम तो 5 एमएल, 1000 ग्राम तो 1000 एमएल। तो देखिए 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को 1000 एमएल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1, जितना वाटर का मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। बताइए यहां तक सबको समझ में आया? ये आया पूरा यहां तक? लिख लीजिए सारे लोग। डेंसिटी वाटर की 1 होती है, इसलिए मैंने ये सब लिख दिया है, जितना वाटर का मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। यहां तक लिख लिया सारे लोग? अच्छा, अब आइए गौर से सुनिए। 1000 ग्राम दोनों के डिनोमिनेटर को देखिए, 1000 एमएल ऑफ सॉल्वेंट है और 1000 एमएल ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1000, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000। सारे लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा, 1000 एमएल सॉल्वेंट ज्यादा कि 1000 एमएल सॉल्यूशन ज्यादा या बराबर? जल्दी से आंसर दीजिए, दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा? ओके ओके ओके, हाँ आप सुनिए, वेरी गुड। सॉल्वेंट की वैल्यू ज्यादा, क्यों? सॉल्वेंट अकेला कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। फिर से सुनिए, एक रुपया है, आप अकेले भाई हैं तो माँ बाप पूरा एक रुपया आपको दिया, दो भाई हो गया तो 1 रुपया विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पर आदमी पैसा कम हो जाएगा। वही हाल यहां है, यहां 1000 एक ही कंपोनेंट के पास है, वहां 1000 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर है, इसलिए 1000 एमएल सॉल्वेंट ज्यादा। अब यहां देखिए ऊपर सारे लोग, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा, एनबी यहां भी है एनबी, तो कंपैरिजन कीजिए डिनोमिनेटर को, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वैल्यू कम, मतलब लेस कंसंट्रेटेड। 1000 इसीलिए कहा गया, इसलिए 1 कैपिटल M इज मोर कंसंट्रेटेड 1 स्मॉल m। जिसका डिनोमिनेटर, देखिए सॉल्वेंट का डिनोमिनेटर ज्यादा तो मोलालिटी कम, लेस कंसंट्रेटेड। आया सबको समझ में? लेकिन दिस रिजल्ट इज सही ओनली फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन, ओनली फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? प्लीज बोलिए जल्दी से। ओके मोहिनी सहनी, ओके मोहित सहनी, थैंक यू। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर। खदीजा आप बोलिए, खदीजा, इल्हाम,
रेडमी, सानिया, खुशी खुशी, चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.2 ग्राम पर एमएल। इट कंटेन्स 92 ग्राम सोडियम आयन पर केजी ऑफ सी वाटर, पर केजी ऑफ लेक वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ए ऑप्शन 4 मोल पर केजी, बी ऑप्शन 3 मोल पर केजी, सी ऑप्शन 0.04 मोल पर केजी, डी ऑप्शन 0.07 मोल पर केजी। जल्दी से सारे लोग बनाएं प्लीज। अली बहुत तेज आदमी है भाई। अली अली तुम किस बैच में थे यार? अली 11 कहां पढ़े हो तुम? मैं पहचान नहीं रहा हूं तुम्हें। अच्छा देव समाज 11th में ऑर्किड में थे क्या अली? अली समझ में आता ना लेक्चर? अली हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अली ऐसे ही आंसर देते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर आपका नीट जी में होगा। चलिए खदीजा महविश फायका, कौन महविश है उनका आंसर? जोया आंसर सब दीजिए। आयशा खानम तो एकदम चुप बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शरीफ है बेचारी, आंसर ही नहीं दे रही है वो, यस नो भी नहीं लिख रही है। ओके ओके मरियम बानो तो बहुत तेज है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आगे आगे बोलती हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र की तलखीन दे। यहाँ देखें सारे लोग, हमें मोलालिटी कह रहा है तो पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 92 ग्राम सोडियम आयन लिखा हुआ है 4 मोल, 4 मोल लिख लेंगे। और न्यूमेरिकल में देखिए लैंग्वेज का खेल है। ओके जैनब कोई बात नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, देखिए पर केजी, डेंसिटी का कोई रोल नहीं है यहां, तो मोलालिटी इज इक्वल टू एनपी बाय डब्ल्यू ए पर केजी, तो 4/1 4 स्मॉल एम, दिस इज द आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जिनका आंसर नहीं मिला उनको समझ में आया, वो डेंसिटी जानबूझ के एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह दिया है। बोलिए आया कि नहीं आया? खदीजा फायका सानिया
वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर टू, 1.044 10 टू द पावर 22। एक मिनट 24 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें एक इंफॉर्मेशन है, टेक अवोगैड्रोस नंबर 6 × 10⁻²। ए ऑप्शन 4m, बी ऑप्शन 2m, सी ऑप्शन 8m, डी ऑप्शन 5m। चलिए आंसर दीजिए। शिबा रियाज। शिबा रियाज कहाँ की हैं? लद्दाख की हैं। शिबा रियाज, शिबा रियाज क्या आप लद्दाख की हैं? खुशी, नो सर, कहाँ की हैं आप शिबा रियाज? ऑर्किड की किस बैच में आती थी? अच्छा, देव समाज की हैं। इफ्रा खान, अच्छा सी होगा। ओके मंडे फ्राइडे, ठीक। ओके कोई बात नहीं है। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके हुमा फिरदौस, गुड आंसर हुमा फिरदौस, गुड। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर जो होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अली तुम्हारा आंसर नहीं आया? अली ट्वेंटी फोर इंटू टेन टू द पावर। तो यहां पर एवोगैड्रोस नंबर 6.022 है, लेकिन आप यहां पर कहा गया है कि आप 6 लें, तो कैंसिल 4 मोल। अब मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 4 500 ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे, 2 कैंसिल, 8 स्मॉल एन। दिस इज द आंसर। बोलिए सबको समझ में आया? क्लियर, वेरी गुड।
चलिए आप कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आइए, ये बेसिक क्वेश्चन था, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 49% सल्फ्यूरिक एसिड डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल। ओके उमा फिरदौस, गुड गुड गुड, ओके खुशी, गुड वेरी गुड। उमा फिरदौस आप कहाँ की हैं प्लीज बताइए। उमा फिरदौस हिंदुस्तान में कहाँ की हैं आप? बिहार, ओके ओके, बिहार में नेट बहुत अच्छा चल रहा है इसका मतलब, अल्हम्दुलिल्लाह। स्वालिहा, स्वालिहा भी पढ़ रही है इसमें, ओके ओके गुड। अली अली एक आंसर नहीं आ रहा, अली भाई कहाँ चले गए आप? खदीजा, इल्हाम, खदीजा, इफ्रा खान, सी मोइस, चले ठीक है चेक कर लेते हैं, वेरी गुड। देखिए मैं आपको हमेशा बताया ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये सब सबको आना चाहिए, बहुत आसान है। परसेंटेज बाय मास को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है आपको, तो परसेंटेज बाय मास जो आपके पास है वो 49% है, इसकी मीनिंग 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। पहला काम मीनिंग लिख लेंगे, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मीनिंग हुई। इससे आप डाटा लिख लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो हो गया वो 49 ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया वो 100 ग्राम हो गया। हमें मोलैरिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो 100 माइनस 49 51 ग्राम। अब मोलै नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास H2SO4
ठीक है, या 1/2 ही रहने दीजिए, 1/2 रहने दीजिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो आपके पास 251 ग्राम, अगेन डेंसिटी का कोई रोल नहीं, 1000 से डिवाइड 1000 ऊपर 50 by 51, ये आपका आंसर आया। बोलिए सबको समझ में आया, सबको दिख भी रहा है कि नहीं, बोलिए सबको दिख रहा है कि नहीं। हाँ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी लिख लीजिए। हाँ 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 सॉरी, 500 by 51, यस थैंक यू थैंक यू, 500 by 51, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक चलिए मोलैलिटी पर एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद एक होमवर्क देंगे मैं। हाँ कोई बात, मोहित सैनी वेरी गुड, मोहित सैनी आप कहाँ के हैं? मेरी आवाज करेक्ट क्यों होगी? मेरी आवाज बहुत अच्छी है, गुंडा है क्या बिहारी? मेरी आवाज क्लियर है ना भाई? ओके मोहित सैनी, ओके ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, an aqueous solution contains 98% H2SO4 W by V. Calculate the molality if density of solution is 1.84 ग्राम पर एमएल। इसमें ऑप्शन नहीं है, आप करके दिखाएं। पहले मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बनाइए बनाइए। चलिए पहला काम है, हम 98%, देखो मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, 98 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले हमेशा मीनिंग लिखो, मैं हर क्वेश्चन में रिपीट कर करके बता रहा हूं,
इससे तुम्हें दो चीज मालूम हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। ये दो डाटा आपको मालूम हो गया। अब आइए पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाई मोलर मास 1 मोल। अब हमें मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब यहां पर वॉल्यूम है, तो देखो पहला काम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहां डेंसिटी का इस्तेमाल है। कैसे समझेंगे, पहले डाटा लिखो, तुम डाटा से पता चलेगा। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, 100 × 184 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, सारे लोग ध्यान दो, 184 - 98 तो आपको हो जाएगा 86 ग्राम। बस बताओ यहां तक, पहले बताओ सारे लोग समझ में आया कि नहीं, यहां डेंसिटी का इस्तेमाल हुआ। यस, अब बताओ मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 × 1000 डिवाइडेड बाय 86। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आया। बताइए सबको समझ में आया? खतीजा सान